नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे से चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआईडी कार्ड के बारे में। दोस्तों यूटीआईडी कार्ड जो कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए होता है और ये बहुत ही खास होता है पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। दोस्तों इसके द्वारा जो है आपको जो है किसी भी जो है आपका यातायात करने के लिए किसी भी टिकट का अगर करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी भारी जो है आपको छूट मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी जो है आपको जो है किसी भी तरह का कोई जो है आपको यानी कि किराया जो है आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि अप्लाई आपको कैसे करना है और आपको हम ये भी सूचित करेंगे कि कभी जो है आप अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है पहले फ़ायदे सुन लीजिए कि फ़ायदे जो है आपको यातायात के अलावा, ठीक है, आपका जो एक ऐसा कार्ड हो जाएगा कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको अगर ये कार्ड दिखा दीजिएगा तो बाकी जो है आपको आईडी का जो है ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगा, पूरा जो है यही संभाल लेगा, क्योंकि ये खास जो है पीडब्ल्यू कैंडिडेट यानी दिव्यांग के लिए जो है होता है। और इसमें जो है सरकार जो है इसके तहत जो है पीडब्ल्यू कैंडिडेट को जो है आपका ग्रामीण से लेकर शहरी योजनाओं का पूरा जो है भरपूर लाभ देता है, ठीक है। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को देखिए और दोस्तों मन में कोई भी यानी अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी अगर आपको संकोच रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है लिखिए ताकि हम जो है आपकी समस्या को जो है आपको जो है बताएं और आपका समस्या को दूर करें, ठीक है। पहले आपको जो है इसके ऑफिशियल साइट में जाना है और जैसे ही जाइएगा आपके सामने जो है ऐसा जो है एक इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको बढ़ना है आगे और एक जगह लिखा हुआ रहेगा अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूटीआईडी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा पूरा प्रोसेस जो है आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए एक जगह लिखा हुआ है सबसे पहला में एप्लीकेशन फर्स्ट नेम, तो आपका जो नाम है वो डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन मिडिल नाम, ठीक है, कोई नाम और है तो इस यहाँ पर जो है डाल दीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपको हिंदी में अपना नाम डालना है, ठीक है, और अगर कोई उपनाम है तो आप जो है इसे यहाँ पर डाल सकते हैं। फादर का नाम जो है आपको यहाँ पर डालना होगा कि आपका फादर का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन मदर्स नेम, यहाँ पर जो है आपको माँ का नाम जो है लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट देना है और यहाँ पर मंथ जो है क्लिक कर, जैसे आपको हम बता रहे हैं जैसे डेट में टिपिएगा तो आ जाएगा इस तरह प्रोसेस जो डेट में आपका जो है जन्म हुआ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है वो जो है आप क्लिक कर लीजिएगा, उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आवेदक के पिता का नाम अपना, ठीक है, आपके पिता का नाम जो लिखिएगा और यहाँ पर आवेदक के माता का नाम हिंदी में जो है आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर जो है आपको एज लिखना है कि अभी जो है आपका डेट बर्थ कितना हुआ है और कितने साल का है, तो आपको जो है यहाँ पर वो डालना पड़ेगा। जेंडर में आप क्या है, मेल है या फिर फीमेल है या फिर अदर है, जो भी है आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। मोबाइल नंबर जो है दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि आपका चलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, कहीं पे अगर कोई निशान है, कहीं कटा उटा है या फिर कोई तिल है तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा कि आप किस में जो है क्या है, जनरल आपका क्या है, जनरल है या किस कास्ट में रहते हो, ओबीसी हो या एसटी हो या एससी हो या उधर हो, तो उसमें आप करना है। ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ए है, बी है, सी है, जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर मेरिटल स्टेटस में आप शादी किए हैं या फिर शादी नहीं किए हैं, जो भी किए हैं नहीं किए हैं तो वो जो है आपको डाल दीजिएगा, ठीक है। शादी किए हैं तो मैरिज में जो है डालिएगा और शादी नहीं किए हैं तो अनमैरिज में, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट रिलेशन पीडब्ल्यू कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर जो है अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो आपका जो क्या है, अगर माता या पिता करता है, ठीक है, तो आपको जो है अगर आपका पापा जो है आपका अप्लाई करता है तो आप जो है यहाँ पर पापा का जो है जगह यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। या मदर अगर अप्लाई करता है तो मदर जो है आपको बदली करता है तो मदर का ही कर दीजिएगा, या फिर खुद आप कर सक खुद करेंगे तो आपको जो है सेल्फ देना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ गार्जियन क्रेचर अटेंडमेंट, जो आपका मोबाइल नंबर है वही दे दीजिएगा, वही गार्जियन नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ोटो का जो है ऑप्शन आएगा, आपको जो है यहाँ से फ़ोटो को जो है सेलेक्ट कर लेना होगा और फ़ोटो जो है वो आपका
5 KB से लेकर जो है 30 KB के बीच जो है होने चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर जो है देना पड़ेगा, सिग्नेचर नहीं जानते हैं तो आपको जो है थंब जो है यहाँ पर जो है लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका साइज भी जो है वो आपका 30 KB से लेकर जो है 3 KB से लेकर जो है आपका 30 KB तक जो है उसके बीच ही होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस करप्शन, यानी कि यहाँ पर जो है आपको जो आपका वर्तमान पता है ये डाल सकते हैं, एड्रेस टू, उसके बाद पूरा फुल जो है पता यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप हिंदी में जो है पूरा पता जो है डालिएगा, ठीक है, तीनों जगह जो है हिंदी में डालिएगा। उसके बाद स्टेट, यहाँ पर किस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उस स्टेट का जो है डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिटी, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर चूज कीजिएगा, या फिर अर्बन है तो अर्बन में जो है निकल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर पिन नंबर, जिस पिन नंबर में आपका डाक है उसका पिन नंबर जो है डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, कोई भी जो है आपको अगर आपका निवासी प्रमाण पत्र है या कोई है तो वो जो है डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह से जो है यहाँ पर एड्रेस है, और इसी को एड्रेस को जो है अपना जो एड्रेस है उससे ये करना है, यहाँ पर स्टेट भरना है, यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट और सिटी, यहाँ पर ब्लॉक नेम, और यहाँ पर आपको पिन कोड, ठीक है। और उसके बाद जो है एजुकेशन डिटेल जो है आपको डालना पड़ता है कि आप जो है पढ़ा लिखा है या नहीं है तो जो है आपको नील डाल देना पड़ेगा, और अगर है तो आप जितना तक पढ़ा लिखे हैं वहाँ तक जो है आपको वो डाल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर कीजिएगा ना, उसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस जो है खुल जाएगा, और उसके बाद सबमिट कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना UTID कार्ड का जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के जरिए जो है आप जो है बाद में नेट में भी देख सकते हैं कि आपका क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं और बना कि नहीं आपका, और जो आप जो है नेट से भी जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं।